तो जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस पूछे थे तो उसके आंसर्स अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ. मैच कर लीजिए आपने जो किया है वो सही है या नहीं. फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो ये था, सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क कलर की बॉटल में क्यों रखते हैं. इसको हमने बहुत स्टार्टिंग में ही इस टॉपिक को कवर कर लिया था कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है. किसमें किसमें डीकम्पोज हो जाता है, सिल्वर में और क्लोरीन गैस में. ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सनलाइट की प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में वो डीकम्पोज हो जाता है. तो उसको डीकम्पोज होने से रोकने के लिए उसको डार्क कलर की बॉटल में बंद करके रखा जाता है. सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था वो मैंने कुछ जगह पे मिसिंग एक्स बना के आपको एक्स लिख के दिया था आपको, कि आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा और आपको ये भी बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है ये. तो फर्स्ट जो मैंने आपको दी थी वो थी Na2SO4CaCl2. यहाँ मैंने आपको ब्लैंक दिया था और यहाँ पे CaSO4 दिया था. तो जो आपका आंसर है वो है NaCl. आपको ध्यान से ये चीज चेक करनी होती है कि Na और Cl बस यही चीज वहां पे नहीं प्रेजेंट थी, बाकी CaSO4 मैंने वहां लिख दिया था. तो NaCl आपका आंसर हो जाएगा. और ये किस टाइप की रिएक्शन हुई देखिए ध्यान से, दो कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड ने अपने सिर्फ आयंस एक्सचेंज किए हैं, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, Na में जब आप CuSO4 डालते हो तो कॉपर के साथ Na2SO4 बनेगा. इसमें से मैंने आपके लिए एक मिसिंग रखा था तो आप वो चेक कर लीजिएगा. अब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है ध्यान से देखिए, यहाँ एक मेटल है और एक कंपाउंड है, Na ने कॉपर की जगह ले ली, तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट. इट इज नॉट डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. तो जहां पे मिसिंग था वो आपको लिखना है, प्लस में ये भी बताना है कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है. लास्ट क्वेश्चन जो आपका था वो ये था, NH3 में आप ऐसा क्या डालेंगे कि NH4Cl बन जाए. तो आपको देखना है बस एक H और Cl की कमी थी, तो HCl आपको उसके अंदर डाल देना है, ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी. और ये किस टाइप की रिएक्शन है, जब दो या दो से एक या दो या तीन सॉरी एक नहीं दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन होकर एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दिस इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे. मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़े, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएं. तो जो आपने अगर सबने ये क्वेश्चन सही किए इसका मतलब वो वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, वो वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ टाइप जो कि रिएक्शन का है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. केमिकल रिएक्शंस में हम जो टाइप्स पढ़ रहे थे अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. फिफ्थ टाइप है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ऑक्सीजन एड होना ऑक्सीडेशन है, लेकिन अगर साथ ही साथ अगर आप वहां देखते हैं कि हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, आपको इन रिएक्शंस को लर्न करने का एक सबसे बेस्ट मेथड है अगर आप इनकी एक डिफरेंस टेबल बना लेंगे दोनों की, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की. पर फिर भी मैं आपको एक एक करके पहले समझा रही हूं इसका मतलब. ऑक्सीजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड. ठीक है, ऑक्सीडेशन तब होती है जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या फिर हाइड्रोजन निकल जाएगी. ठीक है, ये आपको रिएक्शन को देख के पता करना होगा कि क्या हो रहा है. अब जैसे आपको मैंने इसका एग्जांपल क्या दिया, कॉपर में ऑक्सीजन जोड़ दिया. ठीक है, कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं तो जो कॉपर है उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है. हमारे घर में कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, जब हम उसको लाते हैं तो वो बहुत ही शाइनी होता है, नया होता है, लेकिन धीरे 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 एयर के कॉन्टेक्ट में आते आते वो डल होने लग जाता है, उसके ऊपर लेयर आ जाती है. कौन सी लेयर, ऑक्साइड की लेयर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन. ओके, हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनपे ऑक्सीडेशन हो रही है, डेली टू डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं. जैसे कि हमारा खाना है, अगर हम उस खाने को, आई एम टॉकिंग अबाउट कुक्ड फूड, खाना जो बन चुका है वो ज्यादा देर तक हम बाहर नहीं रख सकते हैं. क्यों नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम रखेंगे तो ऑक्सीजन आसपास है, ऑक्सीजन उस खाने को धीरे 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 क्या कर देती है, ऑक्सीडाइज.
ऑक्सीडेशन होनी शुरू हो जाती है उसपे, जिससे उसका टेस्ट बदल जाएगा और वो पहले जैसे टेस्ट वाला अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां मैंने कॉपर की बात की, कॉपर पे ऑक्सीजन जोड़ा तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, कोई भी मेटल लेके आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के उसकी ऑक्साइड फॉर्म दिखा सकते हैं। याद करो रस्टिंग ऑफ आयरन वाला भी आप वहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब यही तुम सोचोगे कि मैम ने तो यहाँ लिख दिया हाइड्रोजन इज रिमूव, लेकिन जरूरी नहीं है रिएक्शन के अंदर वहां पे हाइड्रोजन होगा ही होगा। अगर वहां ऑक्सीजन का एडिशन दिखा रहे हैं तो बस वो देखो आप, और अगर वहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल वाली कोई चीज दिखेगी तो आपको वहां पे तब भी ऑक्सीडेशन दिखानी है। आपका नेक्स्ट जो रिएक्शन का टाइप है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। दोज रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, वहां क्या था ऑक्सीजन इज एडेड, यहां पे क्या है हाइड्रोजन इज एडेड, और वहां था हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है लेकिन यहां पे क्या रिमूव होगा ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, ठीक है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन का एडिशन है, और ऑक्सीजन का एडिशन जहां है वहां हाइड्रोजन का रिमूवल लिखना है आपको, ठीक है। और रिडक्शन जहां पे बात कर रहे हैं हम रिडक्शन की, वहां हाइड्रोजन का तो एडिशन है लेकिन ऑक्सीजन का क्या है रिमूवल है। तो आपको यहां पे मैंने एग्जांपल क्या दिया, मैंने आपको बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश की है ताकि आपको उन रिएक्शन को समझ सको अच्छे से, ठीक है। धीरे धीरे हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपको जो भी प्रॉब्लम आएगी हम इन्हीं से लिंक करते हुए उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल मैं ले सकती थी वो मैंने क्या लिया, सोडियम। सोडियम को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब रखते हैं या सोडियम और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्राइड। इसका नाम होता है बेटा सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो सोडियम में ऐड क्या हो रहा है हाइड्रोजन, तो यहां पे क्या हो रहा है हाइड्रोजन इज एडेड, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो यहां जो एडिशन होने पे बन रहा है वो कौन सी रिएक्शन शो कर रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो अभी जो मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स ये तीनों समझाए, उसमें एक छोटा सा और ट्विस्ट जो आ रहा है वो सिर्फ ये है कि अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानेंगे तो किस तरह से पहचानेंगे, वो मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि यार तुम छोटे बच्चे डर जाते, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो आपको समझ आ गया होगा लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कैसे समझोगे। तो बहुत ध्यान से समझना ये कैसे करना है आपको। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन रिडक्शन में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स उसको मिल रहे हैं। और एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि अगर किसी एटम या आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। और रिडक्शन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाए, तो वो भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये कैसे यूज होगा, देखो मैंने पहले से यहां पे एक एग्जांपल लिख के रखा है। अब यहां आपको ना तो कहीं हाइड्रोजन की एडिशन दिख रही है ना कहीं अलग से ऑक्सीजन की एडिशन दिख रही है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे आपको पहचान आए कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडॉक्स है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने आपको जो एग्जांपल सामने दिया है वो कैसा एग्जांपल है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे। तो ये वाला जो होता है टॉपिक कई बार स्कूल में स्किप करवा दिया जाता है, सही में स्किप करवा दिया जाता है, लास्ट में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि बुक्स के अंदर बहुत लिमिटेड अमाउंट में दे रखा होता है, बुक में ये डेफिनेशन भी नहीं मिलेगी आपको कई बुक्स में। तो अगर आपकी बुक में है देन वेरी गुड, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी समझ आएगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने यहां क्या लिया, जिंक और कॉपर सल्फेट, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, जिंक सल्फेट और कॉपर। अगर आपको अभी टाइप ऑफ रिएक्शन आपने की हो तो आपको ये टाइप ऑफ रिएक्शन भी पता होना चाहिए कौन सा है टाइप ऑफ रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, जिंक कॉपर की जगह पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको मैं रिडॉक्स रिएक्शन प्रूव करके दिखाऊंगी।
अब भाई टैलेंट है अपना अपना, आप नहीं कर सकते मैं कर सकती हूँ, केमिस्ट्री तो कुछ भी कर सकती है, केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, तो बी रेडी, आपको एक्सेप्शनल केसेस के लिए भी रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ जिंक है, आपको पता है कोई भी मेटल अगर अकेला है, अगर वो अकेला है उसके साथ ना तो ऑक्सीजन है ना ही कोई और चीज जुड़ी हुई है, तो यहाँ ऑक्सीजन सॉरी जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो जीरो है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ा हुआ है, ये किसी को अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहां जिंक आपको अकेला दिख रहा है, उधर वाली साइड वो अकेला नहीं है, ठीक है, सब अकेले नहीं रहते, कुछ ना कुछ उनको मिल ही जाता है। तो कॉपर, अब आप देखो कॉपर बेचारा पहले सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, अब कॉपर अकेला रह गया उधर जाके, है ना, सल्फेट ने जिंक को पसंद कर लिया, अभी मुझे तो जिंक अच्छा लग रहा है, मैं तो सल्फेट वहां जाके जिंक के पास जाके जुड़ जाऊंगा क्योंकि जिंक के पास ज्यादा पावर है, जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। अब ये तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसे बना, लेकिन अब ध्यान से देखते जाओ, तुम्हें नाइन्थ क्लास की बुक के अंदर सल्फेट की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई है कितनी, -2। तो अगर उसके साथ जो कॉपर जुड़ा है वो एक मेटल है, ठीक है, जितनी उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड के अंदर, कॉपर के अंदर उसी की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है ये भी मैं आपको अभी समझा दूंगी, लेकिन पहले आप इसको ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ा लोचा है, अब लोचा कैसे समझना है ये आपको पूरा ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा। तो ये तो जीरो है, इसके साथ कुछ नहीं है, इसके साथ सल्फेट जुड़ा है, सल्फेट पे -2 है, तो कॉपर पे कितना आ गया, +2। अब यहाँ क्या हुआ, अब सल्फेट के पास जिंक आ गया, सल्फेट ने अपना पार्टनर चेंज कर लिया, लेकिन सल्फेट के पास तो अभी भी -2 ही है, तो वो जिंक को भी कितना दे देगा, +2। बेटा ये ध्यान रखना, मेटल के ऊपर कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ कॉपर अकेला रह गया तो वो जीरो हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको ऊपर इनके क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है ये बताई है। अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीडेशन स्टेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अब देखो ये जो कॉपर है और जो ये जिंक है, इनकी लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि क्या ये जल्दी से अपनी इनर्ट पेयर गैस कॉन्फ़िगरेशन ले सकते हैं। मतलब इनर्ट पेयर गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि हर कोई एक स्टेबल लाइफ जीना चाहता है ना, हम भी चाहते हैं हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास प्रॉपर अमाउंट में पैसा भी हो, घर भी हो, सब कुछ हो। सिर्फ बेचारे क्या मांग रहे हैं, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो उनके पास, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए या फिर ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। अब ये जो जिंक और कॉपर है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हमेशा डोनेट कर सकते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं तो इनपे क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ध्यान से देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वो दे देंगे अपने इलेक्ट्रॉन, वो एक अच्छा इंसान है, वो दान कर रहा है, जो दान करते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, है ना, तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाता है, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। तो ध्यान रखना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जब, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन अब उसका ही उल्टा रिडक्शन है, रिडक्शन का मतलब ले रहे हैं वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, जो लालची होते हैं वो ले लेते हैं, छीन लेते हैं, तो जो लालची है वो नेगेटिव है, नेगेटिव इंसान। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो जिनको इलेक्ट्रॉन मिल गया, किसी का दिया हुआ जब कोई छीन रहा है, ले रहा है, तो वो एक नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव आ जाएगा उसके ऊपर चार्ज। समझ गए मेरी बात। तो अब आपको सिर्फ इस चीज को समझना है कि यहाँ पे कैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो देखिए यहाँ जिंक है, ठीक है, जिंक के ऊपर इस टाइम कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन अब यहां से अगर मैं यहां जाऊं तो जिंक के ऊपर +2 चार्ज आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। भाई उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं,
तभी वो उसके साथ जुड़ पाया। सल्फेट के साथ पेयर अप करने के लिए उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी दे दी। अब दो इलेक्ट्रॉन्स की कुर्बानी दे दी मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो तुम यहां लिखोगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। और अब आते हैं कॉपर पे। मैं मेटल्स ले रही हूं यहाँ पे क्योंकि हम मेटल्स के ऊपर या इन्हीं आयंस को देखकर ही लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक कर सकते हैं। तो सल्फेट तो दोनों साइड सेम ही रह रहा है, हमें उसको देखने की जरूरत नहीं है। हम किसको देखेंगे? जिसपे चेंजेस आ रहे हैं। अब कॉपर पे पहले प्लस टू था क्योंकि वो इसके साथ जुड़ा था, ये इसका पहले वाला दोस्त है। सल्फेट का पहले वाला दोस्त कौन है? कॉपर। और बाद में जो दोस्त बना वो कौन है? जिंक। जिंक को बेचारे को कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन यहाँ कॉपर को क्या हुआ? कॉपर को फायदा हो गया। कॉपर को जो पहले अपने दो इलेक्ट्रॉन दे के सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था जो कॉपर, अब उसको वापस से अपने इलेक्ट्रॉन फिर से मिल गए। तो इसी टू के अंदर जो इसने टू इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए वापस, तो वो जीरो हो गया। मतलब यहां पे क्या हो गया? फायदा हो गया कॉपर को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर उसको क्या कह रहा है? इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तूने तो जिंक से इलेक्ट्रॉन ले लिए, बेचारे जिंक को नुकसान करवाया, लेकिन मुझे तो मेरे इलेक्ट्रॉन वापस मिल गए हैं, मैं जा रहा हूं यहां से, मुझे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है। अब तुम सोचोगे नेगेटिव चार्ज, तो उसके ऊपर ऑलरेडी टू इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान था, उसको वापस मिल गए तो वो जीरो हो गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको हुआ, उसको अपने पहले वाले गए हुए इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल चुके हैं, तो यहां क्या हो गई? रिडक्शन। सो दिस इज रिडक्शन। कई बार गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा जिसमें वो उस पर पहले तो कुछ चार्ज था पॉजिटिव, लेकिन अब वो जीरो हो चुका है, इसका मतलब उसने वापस ले लिए वो इलेक्ट्रॉन्स। और नेगेटिव वाली फॉर्म में जब आपके आगे मैं और एग्जांपल्स दिखाती हूँ आपको, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो कि ईजिएस्ट था मैंने आपके लिए लिया वो समझ में आ गया। दोबारा से ध्यान से सुनो, जिंक जो अकेला था उसपे पहले जीरो, मतलब उसके पास सब कुछ कंप्लीट है, उसको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उसको सल्फेट अच्छा लगा, उसका दोस्त बनाना चाहता है वो सल्फेट को। तो जब उसने सल्फेट के साथ दोस्ती की तो उसको दो इलेक्ट्रॉन्स का नुकसान हो रहा है, तो दो इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ मतलब पॉजिटिव चार्ज आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसपे ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन अब कॉपर जो है, जो पहले सल्फेट का दोस्त था, लेकिन अब सल्फेट ने उससे दोस्ती तोड़ दी, तो कॉपर क्या कह रहा है उसको? कोई बात नहीं, दोस्ती तोड़ रहा है तो तोड़, मेरे इलेक्ट्रॉन्स मुझे वापस दे। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया उसका, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हो गई? उसपे रिडक्शन हो गई। सो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हुई जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्शन जो मैंने आपको समझाई, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ज्यादातर ये वाली रिएक्शंस आती हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर ऐसी ट्रिक लगाएंगे दोस्ती तोड़नी और दोस्ती करनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जाने और इलेक्ट्रॉन्स आने, इनसे अगर याद रखेंगे कंपेयर करके करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ ही ये जुड़ी हुई होती है, जो कि ज्यादातर आपको इसी में कंफ्यूज करना कर देते हैं क्वेश्चन पूछकर टीचर्स। तो आपको इसमें भी घबराना नहीं है, इसका मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स आपको समझाऊंगी जो आपको कभी भी भूलेगी नहीं। तो रिडॉक्स रिएक्शन, रेड और ऑक्स दो वर्ड से बनी है, इसका मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन जब दोनों एक साथ होती है किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपके लिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिया यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। अब ध्यान से देखना, हाइड्रोजन जैसे ही उसमें डाला गया कॉपर ऑक्साइड के अंदर, तो इस हाइड्रोजन ने यहां से ऑक्सीजन को निकाल लिया, ठीक है, और ये क्या बन गया? H2O बन गया, और कॉपर अलग से अकेला रह गया, बेचारा अकेला रह गया। उसके पास जो ऑक्सीजन थी वो भी कोई ले गया। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब
रिडक्शन। तो यहां पे कॉपर के पास जो ऑक्साइड थ्री थी वो कौन ले गया, हाइड्रोजन ले गया। तो हाइड्रोजन ने तो ऑक्सीजन को ऐड करवा लिया लेकिन ऑक्सीजन को रिमूव भी करवा दिया है ना। तो ऑक्सीजन किससे रिमूव हुई है, यहां से। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां से हुई। तो ये जो रिएक्शन CuO से Cu बन रहा है ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज, जो हाइड्रोजन जो H2 अकेला अकेला था, अब उसने ऑक्सीजन को ले लिया और वाटर बन गया। तो H2 से H2O बन गया, इसका मतलब पहले बेचारा अकेला दुकेला, अब वो क्या हो गया है, सिंगल से वो क्या हो गया है, मिंगल हो गया है, ठीक है। तो यहां ऑक्सीजन उसको मिल रही है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसका मतलब यहां क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ये बहुत आसान है जब आपको किस टर्म में दिया जा रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म में। लेकिन आपको एक छोटा सा शॉक और देना चाहती हूं, कई बार ऐसे रिएक्शंस आपको देंगे जहां आपको ऑक्सीजन भी ना दी हो शायद, हाइड्रोजन भी ना दिया हो शायद, लेकिन वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होगी। तो वो आपको कैसे देखना है वो अभी मैं आपको समझाती हूं। अब देखो फटाफट से मैं आपके लिए दो और एग्जांपल्स लेके आई हूं। तो मैग्नीशियम को जब मैं क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाऊंगी, अब देखो ना तो तुम्हें यहां पे ऑक्सीजन दिख रहा है ना तुम्हें यहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी यहां पे ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में से कुछ ना कुछ हो रहा है। कैसे पता करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की मदद से। कैसे करेंगे हम, अब मैंने तुम्हें अभी अभी जस्ट बताया कि मैग्नीशियम, सॉरी कोई भी मेटल जब अकेला है तो उस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि उसने कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं है अभी तक, तो मतलब ये जीरो है ना। अच्छा अब इसमें डाल दिया गया है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके अंदर ऐड हो रहा है। और तुम्हें याद होगा 9th क्लास में फिर आ जाओ, क्लोरीन मतलब Cl, ठीक है। अगर मैं Cl2 लिख रही हूँ ये क्लोरीन गैस है, गैस की फॉर्म में, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर Cl क्लोराइड की बात करूं उस पर कितना चार्ज होता है, -1। तो अगर दो हो जाएंगे तो उसपे कितना हो जाएगा, -2। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, Cl और Cl दो है, Cl दोनों पे -1 -1 मतलब -2 हो गए। तो Cl2 जब इसमें जुड़ता है तो क्या होगा, MgCl2 बना देगा। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था जितना उस पर नेगेटिव का चार्ज होगा उतना इस पर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज। इसका मतलब अगर ये टोटल -2 है तो इस पर कितना चार्ज आ गया, +2। और प्लस का चार्ज आता है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। पहले इसके पास पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारा कुछ है इसके पास, अब इसका यहां पे क्या हो गया, मैग्नीशियम का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, है ना। तो ये क्या हुई, ऑक्सीडेशन। और एक और छोटी सी चीज आपको बता दूं, जो चीजें इसमें हेल्प करती हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन के लॉस में या इलेक्ट्रॉन के गेन में, उनका भी कुछ नाम होता है। अब ये क्योंकि ऑक्सीडेशन करने में हेल्प कर रहा है, कौन कर रहा है, Cl2 कर रहा है, Cl2 ने ही इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करवाया ना मैग्नीशियम के, तो जो उसकी हेल्प कर रहा है वो कौन हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Cl2। जो ये Cl2 यहां पे है ये क्या है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विनोद नाम तो सुना होगा, लेकिन यहाँ पे एजेंट विनोद नहीं, यहाँ एजेंट क्लोरीन है। ये क्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने में हेल्प कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प कर रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा तो अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जो कि आपके पास है HgO टूटकर क्या बन रहा है, Hg और O2। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन है ये, हम यहां पे एक कंपाउंड को दो में ब्रेक कर रहे हैं। तो सबसे पहली तो थी कॉम्बिनेशन, दूसरी क्या थी,
दूसरे का आंसर आप लोग लिख के बताएंगे मुझे, ठीक है? मैं बता ही नहीं रही हूँ, क्यों बताऊं, मुझे क्या पता तुम देख भी रहे हो वीडियो पूरी या नहीं। तो आपको इसका आंसर मैं देखूंगी, कौन इसका आंसर मुझे बताएगा। HgO, Hg और O2 में ब्रेक हो रहा है, देन अ सिंगल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इंटू टू और मोर, दिस रिएक्शन इज नोन एज वॉट। सो अब मैं यहां आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताऊंगी कैसे हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहां आप ध्यान से देखिए, मरकरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ी है, लेकिन यहां मरकरी मतलब Hg मतलब मरकरी। अब यहां मरकरी के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये जीरो है, ठीक है? और ऑक्सीजन पे हमें पता है ऑक्साइड O माइनस का टू चार्ज होता है, इसका मतलब यहां पे इस टाइम प्लस का टू था, ठीक है, प्लस का टू था और यहां पे वो जीरो हो गया, उसको वापस इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। अपने जो इलेक्ट्रॉन्स उसने ऑक्सीजन की वजह से दिए थे वो उसको वापस मिल गए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कह रही है, मुझे जाना है, मुझे इस दुनिया में ऑक्सीजन देनी है, तो मैं जा रहा हूं, ये ऑक्सीजन अलग होकर बाहर निकल गया। अब Hg मरकरी अकेला रह गया, इस पे क्या हो गया, वापस से इलेक्ट्रॉन्स उसको वापस मिल गए अपने, तो यहां पे क्या हो गया, मैं यहां लिख रही हूं नीचे, यहां पे क्या हो गया, गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, वापस उसको दो इलेक्ट्रॉन्स फिर से मिल गए हैं, तो ये क्या हुई, रिडक्शन। और जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करते हैं। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आए होंगे। तो अब मैंने आपके सामने कुछ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स लिखे हैं, जो कि आपको वन मार्क में टू मार्क में कई बार क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, प्लस अगर आप इनमें से ऐसी कोई भी चीज रिएक्शन के अंदर लिखी हुई देखते हो तो आपको वही आइडिया हो जाएगा कि ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करने वाला है या रिडक्शन में हेल्प करने वाला है। तो ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहले तो मैंने ये लिख दिया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन में हेल्प करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के क्या हुए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर रखते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है? तो O2, O3 इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस में हेलोजन X2, X का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब F2, Cl2, Br2 और I2 कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब वहां पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने वाले हैं, ठीक है? उसके बाद मेटल और नॉन मेटल की कुछ ऑक्साइड फॉर्म्स, MgO, CuO, CrO3, ये मैंने सारे नहीं लिखे हैं, मैंने मेटल और नॉन मेटल लिख दिया, इसका मतलब मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो या नॉन मेटल के साथ जुड़ी हुई हो, वो भी अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का रोल प्ले करते हैं। फिर मैंने लिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन में हेल्प करेंगे, कौन कौन से हैं, सारे के सारे मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट में हेल्प करते हैं, और कुछ एक नॉन मेटल्स भी हैं जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन सल्फर फास्फोरस, कुछ एसिड्स जैसे कि HCl यहां HBr, ये सब भी क्या करते हैं, रिडक्शन में हेल्प करते हैं, और मेटेलिक हाइड्राइड्स मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, ये भी क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। सो ये आपको जनरली लर्न होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये रिडक्शन में या ऑक्सीडेशन में कैसे हेल्प करते हैं। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ी, तो अब हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। सो सबसे पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है, कभी किसी मेटल की कोई सरफेस अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम उसको नया नया लेकर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा शाइनी होता है, लेकिन धीरे 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 उसकी जो शाइन होती है पहले जैसी नहीं रहती, वो धीरे धीरे डल होनी शुरू हो जाती है, वो कोरोजन होती है, ठीक है? तो व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू सब्सटेंसेस सच एज एयर मॉइस्चर एसिड एटसेट्रा, अगर मैं किसी मेटल पे एसिड डल जाए गलती से हमारे से, या वो बहुत टाइम तक एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर रहेगा तो धीरे धीरे जो उसकी पहले वाली शाइन है वो उतर जाएगी और उसपे क्या जम जाएगी, एक ऑक्साइड की लेयर।
फॉर सम टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए अगर वो कुछ टाइम के लिए उसके साथ रहेगा, किसके साथ, एयर मॉइस्चर और एसिड के साथ, अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकन्स द मेटल। और एक्चुअल में ये क्या करता है, ये मेटल की जो पहले वाली स्ट्रेंथ होती है उसको धीरे धीरे खराब करता है। ठीक है, तो ऑक्साइड लेयर जो जमती है वो मेटल को थोड़ा सा खराब कर देती है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर रस्टिंग होने से क्या होगा, आयरन की जो स्ट्रेंथ है वो घटनी शुरू हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जो कॉपर है, तांबा है, ठीक है, उसके जो बर्तन होते हैं अगर हम घर पे रखते हैं, किसी के घर पे होगा, वो कैसी होती है, ग्रीन हो जाती है बाहर से उसकी सरफेस, ठीक है, वो कोरोजन होती है। रस्टिंग किस केस में बोला जाता है, आयरन के केस में। बाकी मेटल्स के लिए क्या वर्ड यूज होता है, कोरोजन, उसकी जो लेयर है वो पहले जैसी ना रह के उस पर कुछ और कलर आ जाना। जैसे कि अगर सिल्वर की कोई ज्वेलरी अगर आपने देखी हो, सिल्वर की ज्वेलरी के ऊपर क्या कलर हो जाता है, ब्लैक, कुछ टाइम के बाद वो काली काली रंग की होनी शुरू हो जाती है। सेकंड क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, खाने पीने की चीजों के बारे में बात होती है इसमें। जब कोई ऐसी फूड सब्सटेंस जिसमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट होता है और वो बहुत टाइम तक एयर की प्रेजेंस में रहेंगे तो वहां रेंसिडिटी हो जाएगी, और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा बैड स्मेल और बैड टेस्ट हो जाएगा फूड का, फूड मतलब कि खराब हो जाएगा, वो हमारे खाने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, चिप्स तो बहुत खा रहे होगे आजकल तुम लोग, है ना, पर उस चिप्स को ना किसी चीज में कवर करके रख देना बेटा, अगर अगर आपने वो नहीं रखा तो उस पर रेंसिडिटी हो जाएगी। ठीक है, चिप्स का पैकेट खुलते ही उसके अंदर जो चिप्स हैं वो धीरे धीरे एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे, अगर हमने उसको उसी टाइम कंज्यूम कर लिया तो फाइन, लेकिन अगर वो पैकेट खुला रह जाएगा तो आपको भी पता है उसका, चिप्स का जो पहले जैसा टेस्ट है, क्रिस्पी जो चिप्स होते हैं वो अब वैसे नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाती है, ऑक्सीजन के साथ मॉइस्चर एंटर कर जाता है, तो अब वो पहले जैसा नहीं रहता। जो चिप्स हैं पैकेट के अंदर हैं वो बंद किसके अंदर होते हैं, ये चिप्स के पैकेट के अंदर जो ये चिप्स प्रेजेंट होते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है, ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की एंट्री बिल्कुल बैन कर देती है, ऑक्सीजन के साथ चिप्स को बिल्कुल कनेक्ट नहीं करने देती, लेकिन जब हम पैकेट खोल देते हैं तो नाइट्रोजन गैस क्या है, बाहर चली जाती है, तो उसके बाद अब ऑक्सीजन का पूरा राज हो जाता है, वो फूड को खराब कर देता है। ठीक है, तो फूड को खराब होने से कैसे बचाया जा सकता है, अगर हम उसको बहुत एयर टाइट कंटेनर्स में रख दें, अगर फूड को फ्रिज के अंदर रख दिया जाए लो टेम्परेचर पे, वो क्या रहता है, सेफ रहता है। ऐसे ही अगर मैं कोरोजन की बात करूं तो हम उस पर ग्रीसिंग करके, ऑयलिंग करके, पेंटिंग करके हम उसको थोड़ा सा सही रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी टॉपिक्स है, अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको रिएक्शंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, ये वाले क्वेश्चंस आपकी डेली लाइफ में होने वाले बेसिक चीजों के ऊपर है, इनको अच्छे से रीड करना आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब फटाफट से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को भी पढ़ लेते हैं, जो कि पहले आपने की हुई है लेकिन आपको फिर भी दोबारा से इसको समझना जरूरी है। एक्सो मतलब आउट, बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ। थर्मिक मतलब हीट, दोनों साइड मैंने हीट बता दिया कि थर्मिक मतलब हीट होता है। अब एक्सोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट निकलेगी, हीट इवॉल्व्ड। और एंडोथर्मिक क्या होगा, जिसमें हीट यूज की जा रही है, हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहां पे मैंने एग्जांपल्स लिख दिया आपके सामने, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है, आपको रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर लास्ट में जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हीट, आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, एनर्जी की कोई भी फॉर्म है वो थर्मल ही होती है, उसमें हीट प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है, तो ये निकल रही है, इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन यहाँ इसको ब्रेक करने के लिए हीट की जरूरत है, एब्जॉर्ब की जा रही है हीट, तो ब्रेक करने के लिए एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा में जब स्प्लिट हो जाता है, मैंने पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये क्या होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन के अंदर आपको हीट को यूज करना पड़ रहा है, वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हुई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नाउ इट्स होमवर्क टाइम, अब आपको मैं होमवर्क दूंगी और वो आपको कंप्लीट करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया,
आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आप सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी. सो दिस इज योर होमवर्क एट द लास्ट. सारी की सारी वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे. इन क्वेश्चंस को जरूर करके देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका चैप्टर इन्हीं मेन क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है. ये रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसके आंसर्स के साथ मिलूंगी और बहुत ही थोड़ा सा आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताकर इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे लास्ट वीडियो के अंदर. सो इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए. बाय बाय.